लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सुपौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर सामने आया। स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक पर सवार माँ बेटे और पिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें, यह हादसा देर रात हुआ, जहां सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसुनपुर NH 106 पर दर्दनाक घटना घट गई। कमल देवी मेहता, पत्नी सीता देवी, बेटा रविंद्र मेहता किसी आपसी विवाद को लेकर पिपरा थाने में आवेदन देने के लिए जा रहे थे कि अचानक कटिंग चौक की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तीनों को कुचल दिया। आपको बता दें, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इधर कमल मेहता एवं उनकी पत्नी और उनका बेटा, तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। आपको बता दें कि कमल देव मेहता महेशपुर पंचायत चिलकापट्टी वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं। देखिए R9 भारत पर संवाददाता दिलदार खान की यह रिपोर्ट। नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम चौधरी जी। पुरुषोत्तम चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? अच्छा सर, क्या मामला हुआ है यहाँ? रोड एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, रोड एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें जान माल की क्षति भी है? जान माल की, तीन आदमी का मर्डर। तीन आदमी स्पॉट हो गया है। वो कहाँ का रहने वाला, कुछ जानकारी मिली है? वार्ड नंबर 1 चिलकापट्टी का, पंचायत। सर नाम क्या है इन लोग का? बलदेव मेहता। पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय मनराज मंडा। और दूसरा का? दूसरा का उसी का पुत्र है, उसी का पत्नी। अच्छा, तीन है, एक ही परिवार के तीनों है? एक ही परिवार के तीनों है। तो सर इनके तो बच्चे भी होंगे ना, उनकी जानकारी आपको? उनके बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इनको? तीन या चार लड़की है, दो लड़का है।